हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स आज अपने गांव, और यहां पर यह है माता रानी का मंदिर। तो हम यहां पर दर्शन करने आए थे, और ये भाई हमारी ननद। ये दोनों की शक्ल देखो मॉर्निंग टाइम पे कैसे हो रही है। तो हम आर्किटेक्ट हैं यहाँ पत्रकारी में, और ये एक प्राचीन मंदिर है ऋषिकेश में। जब भी आप टीरी की साइड जाओगे, श्रीनगर की साइड जाओगे, तो यहाँ पे आपको भद्रकाली के दर्शन करने जरूर आना है। माँ भद्रकाली की कृपा हमेशा सब पे बनी रही, और आज नवमी भी है, तो आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये है मंदिर, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो माँ भद्रकाली के दर्शन हो गए फ्रेंड, आप चलते हैं अपने आगे के सफर पर टीरी की साइड अपने गाँव। चलिए मिलते नहीं, अभी आगे के बहुत सारे अच्छे अच्छे स्थान आएंगे, टूर कराते रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद मॉर्निंग सनराइज का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। अभी सूरज उग ही रहा था जस्ट, तो मैंने क्लिप बनाई थी आप सबके लिए भी। और यहाँ पे अब हम टीरी की ओर जा रहे हैं, यानी कि अपने गांव। और मेरे साथ बैठे हुए मेरी ननद जी के बच्चे, उन्होंने भी जिद करी थी कि मुझे मतलब हमें भी ब्लॉग में आना है। तो मैंने कहा ठीक है, बोलो कुछ ना कुछ। तो यानी कि ये छोटे ब्लॉगर है, तो ये भी कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे, बट हवा के कारण आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, तो मुझे म्यूट करनी पड़ी आवाज़। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले फ्रेंड्स नरेंद्र नगर। तो यहाँ से राजा का महल भी दिख रहा था, तो बच्चों को दिखा रही थी मैं जो मेरे साथ बैठे हुए थे। और हम नरेंद्र नगर से ऊपर एक रास्ता आता है दूसरा टीरी की तरफ, हम उस रास्ते से आए थे। और इस रास्ते पे काफ़ी सारे पत्थर थे बड़े बड़े, और मॉर्निंग का जो व्यू है फ्रेंड्स वो कितना अच्छा लग रहा है मॉर्निंग टाइम पर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस आएगा वो आएगा माँ कुंजापुरी। तो ये कुंजापुरी की क्लिप है रोड साइड की, और यहाँ से बाहर का भी मैंने व्यू लिया था रोड से आउट ऑफ साइड का, तो यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था मॉर्निंग टाइम का। और हम आगे के सफ़र पे निकल चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस आएगा आगरा खाल, जहाँ पे हमें नाश्ता करना था, और नाश्ता किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ की दुकानें देख सकते हो आप, ये काफ़ी बड़ा मार्केट है। और जब भी टीरी की साइड आप जाते हो तो यहाँ पे खाना खाने के लिए गाड़ी वाले ज़रूर रोकते हैं, ताकि जो पैसेंजर है वो यहाँ पे खाना खा सके। और यहाँ पे देखिए मिठाई की दुकान में हम गए थे, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की मिठाई देखने को मिली, तो मैंने सोचा क्लिप बना लेते हैं इनकी भी। और गर्म गर्म पकौड़ी थी, मैंने तो पकौड़ी खाई थी, चाय पी थी, वैसे सभी ने पकौड़ी और चाय ही खाई थी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर यही बनी हुई थी। मिठाइयाँ देखिए कितनी सारी है, टेस्टी मिठाई थी, सिंगोरी इसमें से फेमस है। इसके बाद हम अपने आगे के सफ़र भी निकल चुके थे। तो यहाँ पे हमें भैंसों का झुंड दिख गया था, और ये काफ़ी सारी भैंसें थी जो झुंड में थी और जा रही थी साइड। तो हमने इनकी भी एक क्लिप बनाई है, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इन्हें देख के, तो मैंने कहा इनकी भी एक क्लिप बना लेते हैं। तो देखिए कितनी सारी भैंस है, और सारी मतलब पाली हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस आएगा फ्रेंड्स वो आएगा चंबा, और ये चंबा भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, और टिहरी से पहले पड़ता है। जब भी आप ऋषिकेश से टिहरी की तरफ जाते हो तो न्यू टिहरी से पहले आता है मार्केट, और काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे ये होटल था, तो इसकी मैंने क्लिप बनाई थी। और ये हम अपने टिहरी साइड जा रहे हैं, यानी कि अपने गाँव। तो देखिए मार्केट कितना बड़ा है, इसका नाम है चंबा मार्केट।
स्टैंड पीपल डाली पुल और ऊपर है खैट पर्वत, जो ऊपर दिख रहा है ना आपको टॉप में, ये खैट पर्वत है। और ये टीरी झील है नीचे और हमारा गांव उस साइड है। तो हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स पीपल डाली, तो ये रोड से काफ़ी नीचे हैं पीपल डाली पुल। तो नीचे मतलब जो टेरी वाली रोड है गंसाली के लिए जाती है, वहाँ से एक रोड आती है पीपल डाली के लिए। तो हम उस रोड पे आ गए हैं और हमारा गांव देखिए उस साइड दिख रहे हैं, दिख रहा है। तो हमें वहाँ जाना है यानी कि पुल क्रॉस करके। तो पीपल डाली पुल क्रॉस करके हम पहुँच चुके हैं फ्रेंड रजा खेत, और ये हमारे गाँव का मार्केट है। और ये जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है और 30-40 गाँव का एक इकलौता मार्केट है जहाँ पे लोग सामान लेने आते हैं। इसके बाद या तो घनसाली जाते हैं लोग सामान लेने या फिर न्यू टेरी आते हैं। तो ये बीच में पड़ता है ये मार्केट, और मतलब अच्छी जगह पे है जहाँ से सारे गांव के लोग आ सकते हैं सामान वगैरह लेने के लिए। तो इसका नाम है रजाखेत मार्केट, एक फेमस प्लेस है और इस पर एक गढ़वाली गाना भी बना हुआ है, आपने सुना होगा रजाखेत मार्केट का। तो ये हमारे गाँव का मेन मार्केट रजाखेत, और हमें चलना है आगे की तरफ अपने घर की तरफ। तो यहाँ से हमारा घर 1-2 किलोमीटर आगे है, और जब मैं उतरी थी गाड़ी से तो मुझे मेरे मायके वाले भी मिल गए थे, क्योंकि वो भी शादी में जा रहे थे तो उन्होंने भी गाड़ी रोक दी थी, तो मैं उनसे मिल गई थी। तो ये है हमारी भतीजी, ये हमारी बुआ, हमारी बुआ भी आ गई होगी, ये जा रहे हैं सिर्फ मायके, जहाँ कल बारात जाएगी। खुश हो रही है उसको देख के। तो यहाँ पे अपने मायके वालों से मिलने के बाद अब मैं रोड से ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि हमारा गांव रोड से काफ़ी ऊपर है। तो मेरे साथ मेरी बेटी है शिवांशी और बाकी लोग गाड़ी से आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इन रास्तों का भी ब्लॉग बनाना था इसलिए। ये शिवांशी है, ये भी चल रही है मेरे साथ। काफ़ी टाइम बाद ऐसे रास्ते पे जा रही हूँ, थकान लग रही है, आदत नहीं है ना, आदत छूट गई। चलते जाओ, अभी काफ़ी ऊपर है, हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आ रही है। चलो, मौसम आज बिल्कुल साफ है, धूप है, और अभी ऊपर घर पे जाके तैयार भी होना है क्योंकि हल्दी हाथ आज ही है। ये है फ्रेंड्स हमारा गांव, गांव से दिखने वाला व्यू। तो हम जा रहे हैं अभी अपने गांव की तरफ। देखिए ये रास्ता, तो ये दिखने लग गया फ्रेंड्स हमारा गांव, और गाड़ी वहाँ पे आ गई है। हम गाड़ी से इसलिए नहीं आए क्योंकि गाड़ी को खाली करके ही लाना था ऊपर, दरअसल उसका चैम्बर लगता है ना नीचे, क्योंकि जो रास्ते हैं यहाँ के वो खड़ी चढ़ाई वाले हैं, रोड भी वैसी है। यहाँ पे देखिए पिंक कलर के फ्लावर सूख गए हैं। कितना घना जंगल लग रहा, और यहाँ के रास्ते काफ़ी पक्के हैं। मैं तो काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ यहाँ पे, साथ में बैठने के लिए बीच बीच में चेयर भी बना रखी है उन्होंने, बेंच। कुछ वहाँ पे बैठ गए थके थकार के। रास्ते में काफ़ी फ्लावर और ग्रीनरी देखने को मिल रही है, सबने साग सब्जी लगा रखी है अपने अपने घरों में, आप देख सकते हो। तो फाइनली हम घर में मतलब घर के नीचे पहुँच ही गए हैं, और पीछे से मेरे देवर जी और भी आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेगी फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही अपलोड करूँगी, आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।